Good morning class. I welcome to you all at UMPS online classes. Today in science we start a new chapter, that is chapter 8, water and its property. We will discuss what is water and what are the properties of water. Water, our water means kya hota hai? It is a means hamari need, hamari daily need. Water kya hai? Water hai. ठीक है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर एज द एयर, लाइक एयर, एयर की तरह जैसे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वैसे ही वाटर की तरह भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. वी यूज़ वाटर इन आर डेली लाइफ लाइक कुकिंग, बाथिंग, फॉर ड्राइंग, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स. एंड वाटर इज यूज इन मेनी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में भी वाटर यूज होता है. वाटर इज गुड फॉर द प्लांट्स टू मेक द फूड. ठीक है, वाटर प्लांट के लिए भी नेसेसरी. वाटर इज यूज फॉर एनिमल्स, वाटर क्या होता है, एनिमल्स प्लांट, एनिमल्स ऑल्सो ड्रिंक वाटर. ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर क्या होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए होता है. ठीक है, तो एज यू ऑल नो आर अर्थ इज कवर 3-4% ऑफ द ओशन. हमारा अर्थ जो है 70% यानी 3/4, हमारा अर्थ 3/4 किससे कवर्ड है, ओशियन से. ठीक है, पूरा जो अर्थ है 3/4 किससे कवर्ड है, ओशियन से. आर बॉडी ऑल्सो 70% इन आर बॉडी देयर इज 70% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी में कितना वाटर है, 70%. ठीक है, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन. एज यू ऑल नो वाटर क्या सबके लिए नेसेसरी है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. एंड इज यूज फॉर द डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. फ्रॉम वेयर वी गॉट वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम द ओशियंस, रिवर्स, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सबसे वाटर्स वी गेट इट. ठीक है, वाटर वी ड्रिंक वाटर, हम हमेशा फ्रेश वाटर पीते हैं, क्लीन वाटर. ठीक है, वी यूज वाटर फॉर द कुकिंग पर्पज, बाथिंग पर्पज, वॉशिंग क्लोथ्स. एंड एनिमल्स यूज वाटर, प्लांट यूज वाटर. तो वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस. वॉट इज कलरलेस, इट इज ट्रांसपेरेंट. वाटर इज प्योर ट्रांसपेरेंट. आपने पानी देखा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है. यू कैन इजिली सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर. वाटर के साइड, एक साइड से आप दूसरी साइड देख सकते हो. ओडरलेस, ओडरलेस मीन्स नो स्मेल. वाटर की कोई स्मेल नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आती. ठीक है, टेस्टलेस, वाटर का कोई टेस्ट नहीं है. बट स्टिल वी गेट वॉट, वी ड्रिंक वाटर बाय दिस नेसेसरी. वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स इन आर अर्थ, इन आर एनवायरमेंट, दैट इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, स्टीम. ठीक है, तो वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स. फ्रीज, वाटर जब ठंडा होता है तो कौन सा टेम्परेचर में फ्रीज होता है, 0°C में. और जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब सबसे ज्यादा गर्म होता है, वो कब होता है, 100°C में. फ्रीजिंग में वाटर क्या होता है, इट मेल्ट, इट कवर्ड इन टू स्नो, बर्फ. ठीक है, आइस में होता है. वॉट इज मैटर, वाटर मैटर है. वॉट इज मैटर, एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. आई टोल्ड यू मैटर क्या होता है, जो भी चीज ऑक्यूपाई क्या करती हूँ, स्पेस करती हूँ. इट ऑक्यूपाई स्पेस, आप बॉटल में रख लो तो बॉटल का स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, इट इज अ लिक्विड फॉर्म. वॉटर इज अ लिक्विड, इट कैन टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर. ठीक है, अब कोई भी कंटेनर का, कोई भी बॉटल, आप कोई भी बॉटल में पानी भर के रखोगे तो क्या होगा, वो कंटेनर उसी का शेप ले लेगा, वाटर उसी का शेप ले लेता है. दिस इज अ बॉटल, तो इन दिस बॉटल अ वाटर स्पिल, तो द वाटर टेक द शेप ऑफ दिस बॉटल. तो इट इज अ लिक्विड फॉर्म एंड इट टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन, हाउ कैन द वाटर, वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो सॉल्व हो, डिजॉल्व हो जाती है, जो मिल के प्रॉपरली खुल जाती है और गायब हो जाती है. फर्स्ट, वाटर डिजॉल्व नंबर ऑफ सॉलिड. वाटर में बहुत सारे जो सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं. यू टेक अ शुगर, आप शुगर ले लो. ठीक है, एंड टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट सम शुगर इन दैट वाटर. ग्लास में थोड़ी सी शुगर डालो एंड यू स्टिर देम. स्टिर मतलब आप सिर्फ स्पून से, विद हेल्प ऑफ स्पून, आपसे कुछ देर तक घुमाओ. तो क्या होगा, यू आफ्टर सम टाइम यू सी द शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर, मिक्सड विथ वाटर, और आप शुगर को नहीं देख पाओगे. ठीक, कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, शुगर इज नॉट देयर, आपको शुगर डिजॉल्व दिखेगी. इन द सेम वे टेक द सॉल्ट, सॉल्ट दैट इज नमक. यू सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर. वाई, बिकॉज सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, बट वो इजली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. बट वेन यू टेक द सैंड, सैंड मीन्स आप बालू लोगे, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है. ठीक है, आफ्टर दैट
कंडीशन दैट अफेक्ट मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन. क्या क्या कंडीशन है जो वाटर में चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं? हीटिंग, जब आप सपोज आप चीनी शुगर हीट करो तो इट डिजोल्व फास्टर, वो बहुत तेज हीट. पानी भी, अगर आप पानी सपोज वाटर को बॉइल, पुट सम सॉल्ट इन दैट वाटर बॉइल, जब आप उसे बॉइल करोगे तो क्या होगा, आपको ये दिखेगा कि हीटिंग प्रोसेस में जल्दी वाटर मतलब चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं. स्टिरिंग मीन्स आप स्पून लेके उसे घुमाओ, ठीक है, स्टिरिंग मिक्स विद द स्पून, जैसे जैसे घुमाते हैं ना तो दैट इज कॉल्ड स्टिरिंग, उससे भी चीज़ें जल्दी डिजोल्व हो जाती हैं. पाउडर फॉर्म में भी चीज़ें, पाउडर अगर आप शुगर को पाउडर बना लो, ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में भी अगर आप पानी में डालोगे तो इट डिजोल्व फास्टर. नाउ देयर आर सम टर्म्स दैट यू शुड नो कि व्हाट आर दे. सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड दैट कंटेन अ डिसॉल्व सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को डिसॉल्व कर पाए, ठीक है, वो होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूट और द सब्सटेंस विद डिसॉल्व सॉल्यूट दैट लाइक एग्जांपल लाइक शुगर. सॉल्यूट का एग्जांपल आप ले लो शुगर, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट इज शुगर सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व. सॉल्वेंट क्या है? वाटर. जिसमें सॉल्ट आप डालोगे तो वो डिसॉल्व रहेगी, दैट इज वाटर इज अ सॉल्वेंट. नाउ ठीक है, सम ऑफ द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर लाइक वैक्स, वैक्स ले लो, ठीक है, डी वैक्स एंड डिसॉल्व केरोसिन, ठीक है, वो वाटर में नहीं डिसॉल्व होते, वो केरोसिन में डिसॉल्व होते हैं. दैट इज एग्जाम्पल दैट डज सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर द वैक्स, ठीक है, वैक्स हो गया, ठीक है, आर द वैक्स डज नॉट डिसॉल्व इन सॉलिड वाटर. जो वैक्स होती है, वैक्स होती है समवट लाइक कि आपने टार भी देखा, जैसे टार, ठीक है, टार, चौक पाउडर, चौक पाउडर नेवर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, स्टोन, ठीक है, चौक पाउडर, टार, टार इज लाइक अ डामर. वैक्स होती है जो नॉर्मल डेज, नाउ डेज वी आर यूजिंग वैक्स फॉर द बॉडी, हमारे बॉडी में जो जिसमें मिक्स विद द शुगर, जो शुगर से मिलके बनी होती है, ठीक है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, वो केरोसिन में डिजोल्व हो जाती है. डिजोल्व मतलब घुल के वाटर का फॉर्म ले लेना, वाटर में मिल जाना, ठीक है, ये होता है डिजोल्व, मतलब कोई भी फॉर्म के उस अपने फॉर्म को चेंज करके उस फॉर्म में मिल जाना, दैट इज कॉल्ड डिजोल्व. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड, वी स्टडीड व्हाट इज वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर किससे सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या अफेक्ट होते हैं, एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स that we discussed today. Soluble substance for the substance that dissolve in water. Soluble substance for the substance water mein dissolve that, like sugar. Sugar is a soluble substance that dissolve in water. And salt, it is also dissolve in water, common salt. Okay? Insoluble substance kya hota hai? That does not dissolve in water. Jo water mein dissolve nahi hote. Okay? Like wax. ठीक है, आप कोकोनट ऑयल ले लो, ऑयल, ऑयल डज नॉट, ऑयल अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होता है, आप देखोगे वो ऊपर ऊपर उसके कुछ बबल्स आपको दिखने लगेंगे, तो वो डिसॉल्व नहीं होता, वो पानी में मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, तो इट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ऑल्सो चौक, चौक क्या लोगे, चौक डालोगे तो नीचे बैठ जाएगी, सैंड वो भी नीचे ही बैठ जाएगी, ठीक है, स्टोन, स्टोन पत्थर डालोगे तो भी नीचे ही बैठ जाएगा. दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सॉल्युबल सब्सटेंस salt, sugar, common salt, ठीक है, copper sulfate, these are the substances that dissolve in water and are known as soluble substance, and substance that does not dissolve in water that is known as the insoluble substance. I hope you understood the chapter, read the chapter at your home. Thank you class.